सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज तुरंत पाने के लिए। टीएसपी क्षेत्र के शिक्षकों का होगा नॉन टीएसपी में समायोजन, आदेश हुए जारी। जी हाँ साथियों, की बड़ी खबर की बात करें तो टीएसपी क्षेत्र में जो कार्यरत शिक्षक है उनका नॉन टीएसपी में समायोजन होगा, इसके संबंध में आदेश भी जारी किया जा चुका है। साथ ही हमारे जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने इसके संबंध में ट्वीट करके भी इसकी जानकारी दे दी है। ये कौन कौन से कितने शिक्षक है जिसकी जानकारी आपको बताई जाएगी। सबसे पहले बात दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के ट्विटर अकाउंट की, जहाँ उन्होंने ट्वीट करके भी इसकी जानकारी दी है कि टीएसपी क्षेत्र के शिक्षकों को गैर टीएसपी में समायोजन के आदेश हुए जारी। यानी टीएसपी क्षेत्र में जो शिक्षक कार्यरत है उनको गैर टीएसपी में समायोजित किया जाएगा। विकल्प की प्राथमिकता के आधार पर जारी की गई है समायोजन की सूची। प्राथमिकता के आधार पर इनमें कुल 1903 लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय के अध्यापकों का किया गया है समायोजन। यह है शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला का ट्विटर अकाउंट, जहाँ उन्होंने भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा के अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी एरिया में कार्यरत अध्यापक लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय के 1903 अध्यापकों को दिए गए विकल्प की प्राथमिकता के अनुसार गैर अनुसूचित क्षेत्र में समायोजन हेतु आदेश जारी किए गए हैं। इन सभी को समायोजन जित अध्यापकों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। यह है वो आदेश जो कार्यालय निदेशक प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से प्रेस नोट के रूप में जारी किया गया है और प्रारंभिक शिक्षा पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा अपने पत्र 25 जुलाई 2023 द्वारा अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी एरिया के अध्यापकों का प्राप्त विकल्पों के आधार पर गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी एरिया में समायोजन स्थानांतरण के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया गया है। यानी टीएसपी क्षेत्र में जो शिक्षक लगे हुए हैं अब नॉन टीएसपी में आ सकते हैं, उसके लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। उनका समायोजन भी किया जा सकता है, स्थानांतरण भी हो सकता है। साथ ही दोस्तों उक्त अनुमोदन के तहत विभाग द्वारा माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा के बांसवाड़ा जिले में अलग अलग जिलों के यहां पे पद भी बता दिए गए हैं। बांसवाड़ा से 202, चित्तौड़गढ़ से 12, डूंगरपुर से 108, उदयपुर से 760, प्रतापगढ़ से 424, राजसमंद से 47, सिरोही से 218, पाली से 132, कुल 1903 अध्यापक, जिनमें लेवल प्रथम के 1398, लेवल टू के 505 अध्यापकों को उनके द्वारा दिए गए विकल्प की प्राथमिकता के क्रम में जिलों में उपलब्ध रिक्त पदों के आधार पर समायोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। यानी इन शिक्षकों ने विकल्प दिए थे, विकल्प की प्राथमिकता के आधार पर इनको जिलों में जो रिक्त पद है उनके आधार पर समायोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। समायोजन के आदेशों में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में पदस्थापित शिक्षक जिन्होंने विनिर्दिष्ट क्षेत्र से बाहर जाने का विकल्प दिया है उनके पदों पर प्रक्रियाधीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती 2022 के माध्यम से उपलब्ध वैकल्पिक शिक्षकों के कार्य ग्रहण के उपरांत उपयुक्त शिक्षकों को कार्य मुक्त किया जाएगा। यानी पहले तो भर्ती 2022 की जो शिक्षक भर्ती है उनको कार्य ग्रहण करवाया जाएगा, उसके उपरांत ये जो शिक्षक है उनको कार्य मुक्त किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबर। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं। एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाएं।